जब किसी समय में भगवान बुद्धा का जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो उनका जो दांत का अवशेष था भाई, वो कलिंगा पहुंच गया था, और कलिंगा की जो महारानी थी, राजकुमारी थी, उन्होंने अपने बालों में छुपा करके भाई उस दांत के अवशेष को यहाँ लेके आई थी। उस समय अनुराधापुर में राजा बैठते थे और उनको वो दांत का अवशेष दिया था, और वो चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। फार्म सिगिरिया श्रीलंका, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इधर भी सब बढ़िया ही चल रहा है भाई। $4 में इतना बढ़िया कमरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। दो बेड इधर। हमारी डायरेक्ट यहीं से कैंडी की बस है। लोगों ने बताया कि 6:20 या 6:30 पे बस आ जाएगी। 6 बज गए हैं भाई। 15-20 मिनट पहले चलते हैं सड़क पर, बस आएगी, बैठ करके सीधे कैंडी निकल जाएंगे। फिर वहाँ का दिखाते हैं आपको क्या क्या वहाँ एक्सप्लोर करने लायक चीज है भाई। हाय। बाय बाय। तो भाई देखो, ये हमको छोड़ने के लिए जा रही है सड़क पे। ये उस साइड भी एक डॉग है, सड़क के साइड में भाई, दोनों तरफ एक, उधर भी एक डॉग है, इधर भी एक डॉग है। दोनों जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं एक दूसरे से। हाँ, गो इनसाइड जो भाई, दोनों खतरनाक हो रहे हैं। तो भाई सड़क पे आ गए, यह रोड पे एकदम अभी सन्नाटा भाई, धूप अभी निकलने वाली है भाई। ये कुछ मार्केट रही, देख रहे हैं सुबह आपको कहीं गंदगी दिख रही है क्या? पूरे मार्केट में आप देखो, कहीं डस्टबिन तक नज़र नहीं आ रहा। कहाँ जाता है कूड़ा कचरा सब, कैसे क्या होता है? और देखो, इन्होंने यहाँ पे लिट्रो गैस पॉइंट बनाया हुआ है, सिलेंडर को कैसे बाहर रखा हुआ है। और छोटे छोटे सिलेंडर भी हैं भाई, 14 किलो वाला भी है, 5 किलो वाला भी है, 2.5-3 किलो वाला भी है। जिसको जैसी ज़रूरत है वैसा सिलेंडर जो है ले सकता। हेलो, बढ़िया, ठीक है? इंडिया से? श्रीलंका। श्रीलंका से? अरे आप तो हिंदी बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। कैंडी जाता है? हाँ। कितने बजे बस आएगा? मैं भी उधर जाता है। कैंडी? हाँ। कैंडी नहीं, हाँ। मात्रे है ना? हैं? मात्रे। मात्रे, हाँ, मातले। हाँ, रास्ते में पड़ेगा। ठीक। अभी तो मौसम सही है, अभी धूप नहीं है, तो जो जिसको मतलब रॉक पे जाना है, लायन रॉक पे अभी जाने का, अभी सही है। लेट हो गया, धूप आने पर दिक्कत है। आज रेनफॉल दिखा रहा है लेकिन नहीं होगा, उधर होगा, मातले कैंडी होगा। अच्छा, वहाँ बारिश होता है ज़्यादा? ठंडा होता है ना? ठंडा होता है। अच्छा, तो नहीं, बहुत गर्मी है। तो ठीक भाई, देखिए कितना बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं। कैसे हिंदी सीखा? मैंने काम किया दुबई कतर। अच्छा, दुबई कतर में काम किया, इसलिए हिंदी आती भाई। भाई बस का इंतज़ार करते हैं, फिर निकलेंगे कैंडी की तरफ। भाई सही, एकदम 6:30 बस आ गई हमारी, और भाई हमारे बहुत सारी बात हुई हिंदी में। योर नेम? लंका एंड श्रीलंका। तो भाई बस आ गई, चलते हैं कैंडी देखो करते। भाई जो फॉरेस्ट कवर है वो एकदम स्टार्ट हो गया है, और गाड़ी हमारी एकदम यूँ ऊपर की ओर चढ़ रही है। ऑक्सीजन काफ़ी अच्छा, लेवल जो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, टेम्परेचर भी कम है यहाँ पर। ऊपर वो सिंगल ही सॉन्ग चल रहा है गाना। भाई श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस के राजधानी में आपका स्वागत है, और अभी हम पहुंच चुके हैं कैंडी में। ये है कैंडी, और
ये सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल है और किसी ज़माने में मतलब कभी कभी ये देश की राजधानी भी हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है ये सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल है। और यहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ का मंदिर आता है, बहुत फेमस है। और मुझे लगता है टिकट भी देना पड़ता लेना पड़ता होगा, हो सकता है कि यहाँ से एंट्री हो रही है, हो सकता है कि टिकट की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन देखते हैं भाई। बैग वैग जमा करेंगे, अंदर चलेंगे मंदिर देखते हैं। काफ़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है तो, और बुद्धिस्ट टेंपल है, बहुत बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल है जिसकी मतलब मान्यता पूरे श्रीलंका में है, लोग मानते हैं इस मंदिर को जो है। और ये पूरा चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, टेम्परेचर भी थोड़ा कम है यहाँ पे कोलंबो मतलब अदर एरिया के कंपेयर में। और फॉरेस्ट कवर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है यहाँ पे, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है भाई, हमेशा बादल ही बादल रहता है, बारिश ही बारिश होती है, तो बहुत घना जंगल है। और ये मंदिर की बड़ी मान्यता है भाई, हम भी चलते हैं दर्शन करके आते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा बैग तो जमा नहीं हुआ है, बता रहे हैं कि फॉरेन काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे आपका बैग जमा हो जाएगा, सिक्योरिटी बैग रूम शायद यहाँ से जा है? टेंपल हाँ, इंडिया, हिंदी हिंदी इंडिया। तो भाई ये पुराना जो इतिहास कहता है कि मतलब तीसरी और चौथी शताब्दी के बीच में जो है मतलब जब किसी समय में भगवान बुद्धा का जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो उनका जो दांत का अवशेष था भाई, वो कलिंगा पहुंच गया था। और कलिंगा की जो महारानी थी, राजकुमारी थी, उन्होंने अपने बालों में छुपा करके भाई उस दांत के अवशेष को यहाँ लेके आई थी। उस समय अनुराधापुर में राजा बैठते थे और उनको वो दांत का अवशेष दिया था और वो चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब लोकल से पूछ रहे हैं तो उनको मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं या भाषा की दिक्कत है, तो एग्जैक्टली बहुत सारे गाइड हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और इतना हमारे लिए जानकारी है। आप सोच सकते हैं कि इस जगह का कितना इम्पोर्टेंस होगा भाई, मतलब उनके अवशेष जो जलाने के बाद जो अवशेष बचे थे उसमें दांत बचा था भाई, और दांत को छुपा करके किसी तरह से वो यहाँ पे आइलैंड में लाया गया था तीसरी और चौथी सदी में, यहाँ के राजा को उन्होंने दिया था। तब से वो जो है पहले वहाँ ईसूर मुनिया वाले टेंपल में रखा था, लेकिन अभी यहाँ पे वो है, इस जगह पे है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है और बड़ी मान्यता है इस जगह की, लोग बहुत सारे लोग देखे आ रहे हैं फ्लावर वगैरह ले करके चढ़ाने के लिए, काफ़ी अच्छी लोकेशन में है ये जगह ना। अभी तक भाई किसी ने मुझे वीडियो वीडियो बनाने से रोका नहीं है, फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ रोकेंगे मना करेंगे वहाँ पे या पूछ लूँगा मैं आगे चल करके किधर से जाना है, तो वहाँ पे मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा भाई। तो किधर से जाना है, जिधर से लोग जा रहे हैं उधर से ही हम भी चले जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ चलन देखिए, सब वाइट कपड़ा ही पहने, सफ़ेद कपड़ा ना ऊपर नीचे सारा। या यू नो व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड दिस टेंपल? यस, दिस इज़ अ टेंपल ऑफ दालडा मालीगांव। या दालडा मालीगांव, मालीगांव दालडा। आई थिंक आई एम नॉट टूर गाइड, आई थिंक द टूथ ऑफ रेलिक, द गौतम बुद्धा टूथ, यस इज केप्ट हियर। Yeah, you can see. Okay. So? I have seen, I have studied from my mobile. Okay. You have Gautam a Buddha. YouTube channel? Yeah. Ah, that's how you recording, no? Yeah. Okay. Yeah, recording is allowed? Yes. No problem? No problem. You okay. You can ask that police woman. Yeah. You can ask him. For recording? Yeah. Okay. Okay. Thank you. I will take permission. Okay. Thank you. Bye. Okay, bye. ये पुलिस वाले हैं, इनसे बता रहे कि परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, और क्या वीडियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो भाई इन्होंने बता दिया कि जो शूज़ है वो अलाउड नहीं है, हमको शूज़ जो है उधर निकालना पड़ेगा। अच्छा, मुझे पता नहीं था, हमने सोचा कि उधर ही शूज़ जो है निकालना होगा, लेकिन बता रहे हैं कि शूज़ जो है इधर कहीं टिकट काउंटर है, शूज़ इधर जमा करना पड़ेगा भाई, तो जूते वूते इधर ही जमा कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सूज पहन के उधर जा भी रहे हैं, कुछ हाथ में लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। बैग तो बाहर जमा कर दिया होता तो ढोने से बच जाते, जो इतना बड़ा भारी बोझा लेके ढो रहे हैं। भैया गौतम बुद्धा का दांत यहाँ पे रखा हुआ है, और जहाँ भी कुछ भी चीज़ ऐसी रखी हुई है वो बहुत इम्पोर्टेंट जगह है।
भाई ये है, आसानी से टिकट मिल जा रहा है, ये टिकट वेंडिंग मशीन है। इट्स नॉट टेकिंग। अरे व्हाट हैपन, टिकट बाहर आ गया भाई, पैसा बाहर आ जा रहा। टेकन व्हाट टेक्निक, ओके गुड, थैंक यू, लीव इश्यूज, ओके ओके। तो भाई जूता उता निकाल दें इधर। श्री दलादा मालीगावा मालीगावा के मंदिर में आपका स्वागत है, और हम अंदर आ चुके हैं। सिक्योरिटी से हमने पूछ भी लिया कि कैमरा ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल को भाई स्विच ऑफ कर देना है, फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहीं फ़ोन न आना न जाना। तो भाई यहाँ से अंदर जाना है, तो भाई बाहर बाहर जो वीडियो है वो अलाउड है, और जो मुख्य जो मंदिर है उसमें वीडियो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सब मेन जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जो है दांत रखा हुआ है, जो कि भारत से इंडिया से आया था। क्यों भाई, आई एम करेक्ट, द टूथ ऑफ रेलिक कम्स फ्रॉम इंडिया, कुशीनगर, कुशीनगर देन कलिंगा उड़ीसा देन केम टू हियर, एंड सो दिस प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। I have read on the Google. India. Just near about the Kushinagar. Kushinagar. Yeah. I have so many times visited Kushinagar, Jetwan, Shravasti, Sarnath, everywhere. Yeah. I am from UP and every places are nearby the UP. यहाँ पे देखिए क्या ये, मतलब ये सब फ्लावर है और शायद कुछ बहुत सारी चीज़ें चढ़ाने के लिए हैं, और लोग धीरे धीरे करके जो है मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो भाई हम भी चलते हैं, कैमरा को बंद करते हैं, अंदर चलते हैं, दर्शन करके हम भी आते हैं। पुराना मंदिर दिख रहा है ना, दीवारें देखिए, जस्ट लाइक द एलोरा, अजंता एलोरा केव्स स्ट्रक्चर वैसे ही दिखाया है ना इसमें, ये पूरा। ये हाथी का दांत रखा होगा भाई, माय गॉड, 3, 3, 6, 7, 4 इधर 4 इधर, 8 दांत रखा होगा भाई। जब तक यहाँ सेरेमनी शुरू होती है ना, तब तक इधर जो है दर्शन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह है एंट्रेंस। मध्य प्रदेश में जो मूर्ति कला की जो
देखने को मिलता है, आपको तरीका मेथड्स दिखता है। सेम मेथड पर अजंता एलोरा के मेथड्स पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं, क्या पता वहाँ से लाई गई हो या यहाँ पे कारीगर आके बनाया हो। भाई देखिए पेंटिंग्स बहुत सारी अच्छी अच्छी बनी हुई है टेम्पल के चारों तरफ जो है, और काफ़ी प्राचीन मंदिर, पूरा जो मंदिर है पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और यहाँ पे ये मूर्तियाँ आप देखिए, खूबसूरत बना है भाई भगवान बुद्ध का मूर्ति। सम आइडल्स आर मेड इनसाइड द एंट्रेंस जस्ट लाइक द आर्किटेक्चर स्टाइल जस्ट लाइक अजंता एलोरा इन इंडिया मध्य प्रदेश इंडियन इंडियन स्टाइल या Now open Buddha Gautam Buddha's tooth upstairs. Yeah. Okay. I have upstairs temple here. Yeah. Yeah. I can go there. Yeah. Okay. Thank you. ये वाली मूर्ति जो दिख रही है ये पूरा इंडियन स्टाइल में बनी हुई है। इंडिया में ही ऐसी सेम मूर्ति देखने को मिलती है और यहाँ भी ऐसे ही देखने को मिलता है भाई। तो वर्क चल रहा है, रिपेयर चल रहा है। इधर भी कुछ है क्या भाई? जो यहाँ का मंदिर है बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, और जैसा कि बौद्धिस्ट स्तूपा और बौद्धिस्ट टेंपल जितने होते हैं, मतलब जो बड़े हैं पुराने हैं ओल्डेस्ट है, वहाँ पे गौतम बुद्धा का कुछ ना कुछ चीज़ मैंने बताया भी था पहले, कुछ ना कुछ रखा होता है। तो यहाँ पे ये वाला पूरे श्रीलंका में इतना इम्पोर्टेंस इसका इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो है दांत जो है रखा हुआ है यहाँ पे ना, जिसको कहते हैं टूथ ऑफ रेलिक, यहाँ पे भाई रखा हुआ है। तो अभी हम अंदर ही हैं कि बाहर ही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो शायद अंदर ही हैं, हमारा जूता चप्पल भी इधर ही मिल जाएगा। भाई ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।